सब्सक्राइब करिए टेक ब्रेन यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक ब्रेन के एक फ्रेश एपिसोड में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि एड्स कैसे लाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे लिंक होता है और फर्दर काफ़ी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जैसे कि 1000 व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं और दोस्तों आपको पता चलेगा कि कितना पैसा होने पर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये सारी बातों के बारे में जानना है और YouTube से अच्छा खासा पैसा अर्न करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिएगा। सारा कुछ एक्सेस करने के लिए आपको मोनेटाइजेशन प्रोसेस यानी कि एड्स वगैरह लाने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा और वहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम ओपन करते हैं यहाँ पर अपना गूगल क्रोम। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा गूगल क्रोम यूज़ करिए। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, दोस्तों इस पर आपको टिक कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि आप जो भी अब अपने फ़ोन में लिंक ओपन करेंगे, जो भी आप साइट ओपन करेंगे वो बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह ओपन होगा। दोस्तों इससे हम अपने मोबाइल पर ही डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर पाएंगे और आसानी से सारे ऑप्शन को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे www.youtube.com। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, इस प्रोफाइल वाले आइकन पे आप क्लिक करके सिंपली आप लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्रिएटर स्टूडियो। दोस्तों आपको इस क्रिएटर स्टूडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है वो यूट्यूबर्स के लिए होता है ताकि वो यहाँ से देख सकें कि आपके वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं। हमें अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन यानी एड्स वगैरह एनेबल करना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है जिसके सामने यहाँ पे एनेबल लिखा है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे एनेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों एनेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रीड एंड एग्री यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। दोस्तों अब हम यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी YouTube के टर्म एंड कंडीशंस हैं उन सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन पे, सारे ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा। दोस्तों टिक लगाने के बाद से आप सिंपली यहाँ आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। दोस्तों वहाँ पे जो एग्रीमेंट था उसमें यही सारी चीज़ें लिखी थी कि जो 55% पैसा होगा वो आपको मिलेगा और 45% जो पैसा है यूट्यूब रख लेता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है और अब हम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं। दोस्तों हमारा अगला स्टेप है साइन अप फॉर एडसेंस। दोस्तों एडसेंस क्या है, एडसेंस एक गूगल का प्रोडक्ट है जो कि थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। मीन्स दोस्तों वो एडवर्टाइजर से एड्स लेता है और फिर वो हमारे यूट्यूब वीडियोस पर उन एड्स को पब्लिश करता है। दोस्तों यही काम है एडसेंस का। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि एडसेंस को ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे वीडियोस पे एड्स आ सकें। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। और दोस्तों एडसेंस ही है जो सारा कुछ हमारा पैसा कलेक्ट करता है और उस पैसे को अपने पास रखता है, और जैसे ही आपका पैसा $100 से ऊपर हो जाता है तो वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। दोस्तों एडसेंस में ही आपको आपका बैंक अकाउंट और आपके काफ़ी जो और अदर डिटेल्स हैं जैसे कि एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको एडसेंस में ही आपको फिल करना है। तो दोस्तों अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां लिखा है मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों यहां पे सिंपली यही लिखा है कि अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो आप सिंपली वहां से लॉगिन कर लीजिए, अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। दोस्तों अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और एक एडसेंस अकाउंट बना लीजिए ताकि आपके वीडियोज़ पर एड्स आ सकें।
दोस्तों हमने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब हम जो है गूगल एडसेंस के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पे आपको साइन इन वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहा है कि यू आर करेंटली साइंड इन एज अ मेरा ईमेल अकाउंट लिखा है। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। आपने जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बनाया है उसी ईमेल आईडी से आपको आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो दोस्तों अब हमको सिंपली करना है साइन इन, और अब हमको वही ईमेल यूज़ करना है जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो अब हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और अब हमें उसी वाले ईमेल से लॉगिन करना है जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे गूगल एडसेंस में साइन इन हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं माय वेबसाइट के सामने आपके यूट्यूब चैनल का यूआरएल आ चुका है। और अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे ताकि आपका यूट्यूब और गूगल एडसेंस दोनों आपका एसोसिएट हो सके। तो सिंपली एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक करिए तो आपका यूट्यूब और एडसेंस दोनों एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला स्टेप आएगा वहाँ पे योर इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आएगा। दोस्तों वहाँ पे आपको सिंपली आपको अपना एड्रेस और जो भी आपका नाम है, आपका कंट्री, वो सब कुछ आपको वहाँ पे फिल करना है। दोस्तों अगर आप अपने फादर का बैंक अकाउंट यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखिएगा, और अगर आप अपना खुद का अकाउंट बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना खुद का वहाँ पे नाम लिखिएगा, प्रॉपरली अपना एड्रेस फिल करिएगा। और दोस्तों सब कुछ फिल करने के बाद आप वहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब दोस्तों वापस आप अपने YouTube वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। दोस्तों आप अब यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेप YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म एक्सेप्टेड, हमने अपना पहला स्टेप कर लिया। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि एडसेंस कैसे है, क्या है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। दोस्तों तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले से ही एडसेंस अकाउंट बना लिया है, तो अब मैं वापस दोबारा नहीं बनाऊंगा और ये वीडियो और लेंदी हो जाती। दोस्तों आपको उसके बाद सिंपली अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव कर देना था। दोस्तों फिर आपको वापस यहाँ पे आना था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में सिंपली यही लिखा है कि आप जो मोनेटाइजेशन जब आपका एनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके जो फर्दर सारे एड्स आपके डिस्प्ले होने लगेंगे। दोस्तों चौथे ऑप्शन में ये लिखा है कि गेट रिव्यूड आफ्टर रीचिंग 10,000 व्यूज। मेजर स्टेप है वो स्टेप नंबर 4 है, जो कि यूट्यूब ने नया रूल बनाया है। पिछले 4 या 5 महीने पहले की बात है, यूट्यूब ने ये रूल बनाया है कि 10,000 व्यूज होने के बाद ही आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन एनेबल होगा, यानी कि एड्स दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको सिंपली अब करना क्या है कि आप अपने वीडियोस को अपलोड करिए। उसके बाद दोस्तों जब आपके वीडियोस पे 10,000 व्यूज आ जाएंगे तो सिंपली आपके चैनल को रिव्यू किया जाएगा, यूट्यूब अपने आप रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के 1 हफ्ते के बाद तक आपका चैनल में मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब पे व्यूज कैसे लाना है, सब्सक्राइबर कैसे लाना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि व्यूज़ कैसे आएंगे ये सब चीज़ों का, आप सिंपली यहाँ पे अपने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। हम बात करते हैं कि अब आगे का क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों यूट्यूब वीडियो आपका अपलोड हो गया, उस पर 10,000 व्यूज़ आ गए, मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जैसे ही आप $10 कमा लेंगे, जो आपने एड्रेस फिल किया होगा उस एड्रेस पे आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर में एक वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से आपका गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ पे लिखना होगा गूगल क्रोम में कि गूगल एडसेंस साइन इन। वहाँ से गूगल एडसेंस में आप साइन इन हो जाइए। साइन इन होने के बाद दोस्तों आप वही वापस से डेस्कटॉप वर्जन में सारा कुछ खोलिएगा। वहाँ से आपको सिंपली वो पिन को एंटर करना होगा, पिन को एंटर करने के बाद से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके आप अपने बैंक अकाउंट सारा डिटेल, बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद से आप सिंपली आपके बैंक में आपका पैसा आ जाएगा। जैसे ही आपका पैसा $100 हो जाएगा, $100 को क्रॉस होते ही आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए, मैं आपको ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, फ्यूचर में इससे भी अच्छे वीडियोस आएंगे मेरे चैनल पे, तो आप उन सबको देखने के लिए और भी चीज़ें सीखने के लिए नई नई जानकारियों को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।